भाई अनमोल के फैंस का उसके साथ फिर से आज हम मिलन कराने जा रहे हैं। ये अनमोल के अम्बाला वाले फैन, थैंक यू बोलो मुझे, मैंने तुम्हें मिलवा दिया तुम्हारे अनमोल भैया से। तो अब यहाँ इनका फोटो शूट सा हो जाएगा। तो अनमोल के फैंस को मिलवा रहे हैं, उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा है। वो लड़का लिटरली बोल रहा है कि मेरी टांगे कांप रही है, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं अनमोल भैया से मिल रहा हूँ। तो हाँ भाई मिल रहे हैं। वैसे हमने पहले प्लान किया था, मैंने पहले प्लान किया था कि मेरी अनमोल से बात होगी तो अम्बाला में हम एक लोकेशन सेट करके पहले से स्टोरी डाल देते कि अम्बाला को कोई फैन अगर अनमोल से मिलना चाहता है तो इस टाइम पे यहाँ पे आ जाओ। बट इसका वहाँ पे नेटवर्क नहीं था तो मेरी इससे बात नहीं हो पाई, तो ना ही ये प्लान सेट हो पाया। तो आई होप कि अगली बार आएगा जब भी तो हम ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बोलते हैं दीदी अनमोल भैया से मिलना है, एक बार मिलना है, तो वो जरूर मैं चाहूंगी कि वो हो। बाकी अब बस हम घर पहुंच गए हैं, फिर इसको इनके लंच वगैरह कराएंगे और थोड़ी गप्पे शप्पे मारेंगे, देखते हैं। बस अब पहुंच गए हैं, ये लोग बाइक्स वगैरह लगाएंगे। ये केशव है, ये अभिषेक भी है। Hey guys, what's up? I'm Shivani and welcome back to my YouTube channel with Anmol Jaiswal. आज मैं फिर से हूँ। आपने पिछला व्लॉग देख ही लिया होगा, ये अम्बाला आया है, जग्गी सिटी सेंटर आया, जग्गी सिटी सेंटर आए थे ये, मतलब हम मोरनी से दोबारा गुड़गांव वापस जा रहे थे तो रास्ते में ये हमारे घर आए हैं। अब ये लंच के लिए आज हमारे घर इनवाइटेड है। चिकन चिकन खाएंगे, इसको चिकन खिलाएंगे आज, इसका पेट नहीं खराब करेंगे, चैलेंज कोई नहीं करेंगे। मम्मी दूर से ही आवाजें लगा रही है। तो चलते अब घर और इसको लंच करवाते हैं। डिनर बन लगी थी, हमारा मन कर रहे थे हम इसको यही रोक ले, काफी टाइम तक हम इसको रोक के रखे, बट ये रुकेगा थोड़ी, अभी बड़ा हो गया ना। नहीं नहीं जाना है, अभी से कई बर्थडे है ना, फिर उसे अकेले ऐसे भेज नहीं सकते, अच्छा नहीं लगेगा। चलते हैं ऊपर, चलो चलो जी, आशीर्वाद तो दो। मम्मी तो बाल ही सेट करने में लगे हुए, शादी अब तो बस शादी करा दो इसकी फटाफट। भाई घर आते ही देखो उसके फैंस, मतलब वैसे तो मेरे स्टूडेंट्स हैं बट उनको पता लग गया था क्योंकि कल ही मैंने बता दिया था कि अनमोल आने वाला है, तो आ गए दीदी। अभी हम पहुंचे ही है, पानी पिया जिस किसने, और आ गए दीदी एक फोटो, दीदी एक फोटो, और रास्ते में भी आपने देखा। 4-5 साल पहले आए तब भी बच्चे थे काफी, अब वो तो कॉलेज में पहुंच गए उस टाइम थे, तो उस टाइम जब भी आया था ना ये मेरे ट्यूशन वाले बच्चों को ना एक गाना सिखा के गया था, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, क्रिसमस के डेज पे था और क्रिसमस पे इसने स्पाइडरमैन के सॉन्ग पे बच्चों को डांस करवाया था, मुझे अभी भी याद है। बट उस वक्त मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था ना, यूट्यूब पे नहीं था, यूट्यूब पे नहीं था। हाँ तो यहाँ से फिर मैं चंडीगढ़ गया था, मैं कॉलेज की बात है, फर्स्ट ईयर की शायद, 4-5 साल हो गए तब के बाद ही अब आया, और उसके बाद जब मैं गुड़गांव गई थी तब हम मिले थे। क्रिसमस शायद यहाँ मनाया था ना, और मैंने न्यू ईयर के लिए वहाँ गया था, न्यू ईयर चंडीगढ़। इसको खिला देते हैं इसके चिकन चावल, भूख लग गई। हाँ चलो चलो जल्दी डालते हैं। ये भाई का फेवरेट चिकन चावल कैसा बना भाई? एकदम बढ़िया। अच्छा बना है केशव? ये भैया तो वेजिटेरियन है तो ये दाल चावल ही खा रहे हैं, अंडे वाले वेजिटेरियन। बाकी बर्थडे है ना तो थोड़ा बिजी चल रहे हैं, बाकी ये एंजॉय कर रहा है अपना लंच। इसको तो तसल्ली होगी 3 दिन के बाद खाया, क्योंकि हम जैसे चिकन लवर्स को तो ये कि रोज चिकन मिल जाए तो हमें वो भी कम है, बट ये 3 दिन के बाद खा रहा है। केशव हमारे घर फर्स्ट टाइम आया आज, गुड़गांव भी। हाँ वही मैं बोलने वाली थी, बड़ा शर्माता बड़ा, पर ये लड़का भाई साहब बहुत शर्मीला है, तो कोई ना इसके साथ रह रह के खुल जाएगा पूरा। हाँ अनमोल भाई के सब्सक्राइबर्स मेरे सारे ट्यूशन वाले बच्चे, इनको पता था सारे बारी बारी करके मिलने आ रहे हैं, उसको जाने दे रहे हैं 5 मिनट 5 मिनट का। हाँ ये भाई अनमोल द इंडियन बैकपैकर वाला, बाकी आरब भी आया हुआ है, ये जाने लगे हैं भाई साहब हमारे। अब कब आओगे? आएंगे जल्दी। कब आएंगे? कब आएंगे? जल्दी। तो भाई इनकी फोटोज वगैरह तो खींच दिया, अब ये अनमोल भाई जा रहे हैं हमारे, ये अपनी पैकिंग वुकिंग कर रहे हैं। कितनी देर में पहुंच जाओगे? दिखा तो 4 घंटे का, 4:30 पर देखते हैं, 3:30 3:30। हाँ बट आराम से ही जाना, 4 के 4:30 भी लग जाए बट आराम से जाना, क्योंकि वो रास्ते में वो जाम, अगर किसान आंदोलन वाला मिला तब तो रुकना पड़ेगा। नहीं फिर हम दूसरा रास्ता बताया नाना ने, वहीं कांटे के। तो ये इनको शॉर्टकट बता दिया गया जिससे ये 3-3.5 घंटे से जाएंगे। दिमाग खराब हो जाता गाँव में तो। हाँ खड्डे भी, और अब तो बारिश आ रही है, पानी भरा होगा पूरी तरह। कोई बात नहीं, रुक नहीं रहा वैसे। चलो अब हम वेट करेंगे कि दोबारा कब आएगा जल्दी से अनमोल यहाँ पर। अभी हवा भर रहा है, इसके दर्द हो जाता है। बाकी केशव का क्या हाल है, वो केशव ही जानता है पीछे बैठ के। केशव को टेप मिली हुई है, इसका सारा मिला हुआ है केशव को, वरना बाकी पर फिर भी उसकी हालत वो सिर्फ वही जानता है। क्यों केशव फिर दोबारा जाना जल्दी से ट्रिप पे?
बोल नहीं रहा, जल्दी से देख ले जरा। अब गाड़ी में जाने के लिए तैयार है ये। अगली बार ये जाएगा बाइक पे और केशव जाएगा साइकिल पे फॉलो करता हुआ। ठीक है जी, चलते हैं। बाय भैया, बाय केशव, बाय सोनू। देखो कितनी फिकर है सब्सक्राइबर्स को। चलो जी जा रहे हैं अभी ये सोनू जी। बाय बाय, टाटा सी यू, बाय बाय, टेक केयर। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 o'clock। जब अनमोल गया था उस टाइम पे टाइम था 4:15 के अराउंड। तो उसके बाद मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ाई है, अब मैं ट्यूशन पढ़ा के बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। अभी जो ये आकाशी अभी हो रही है, मैं इनको छोड़ने घर जा रही हूँ। एक्चुअली इनकी जो सिस्टर है अविका, आपने मेरे काफ़ी पहले व्लॉग्स में देखी भी होगी, आज वो एक्टिवा से गिर गई है, उसको चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया उसके हाथ पे। तो मैंने कहा एक बार उससे मिल भी आते हैं और इनको घर भी छोड़ देती हूँ, तो फटाफट जाकर आती हूँ। वहाँ से तो आ गई हूँ, अब इसको मार्केट लेके जा रही हूँ। एक्चुअली इसने जो क्रिकेट एकेडमी जो देखकर आए थे हम, लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा, वो ज्वाइन करनी है कल से। उसके लिए उन्होंने इसको बोला था कि आप अपना जो यूनिफॉर्म में आना, जो उनकी मतलब क्रिकेट की यूनिफॉर्म होती होगी उस टाइम पर, वाइट लोअर टी शर्ट टाइप से, तो अब इसको वो दिलाने जा रही हूँ यूनिफॉर्म, ताकि ये कल से जा सके। वरना ये सुबह उठ के बहाना लगा देगा कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, मैं इसलिए नहीं गया, मैं उसलिए नहीं गया। तो ऐसा ना हो, पढ़ाई के लिए लगाता है। मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, चलो ना। भैया अब हम आए यहाँ पे जसवीर स्पोर्ट्स, काफ़ी फेमस है यहाँ पे, स्पोर्ट्स की सारी आइटम्स मिल जाती है। तो इसको फटाफट जो जो लेना है वो फटाफट दिलवा देते हैं। आज तो बहुत थक गए हैं भाई सुबह के, मतलब आज एक ही दिन में एक तो मैंने दो दो शूट कर लिए, और वैसे भी थकान हो ही जाती है थोड़ा काम करना ये वो। एंड चलो फटाफट इसका सामान दिलवाते हैं, फिर घर चलते हैं कुछ खा पी के। ड्रेस दिखा दो भाई, ये ले लिया इसने अपनी क्रिकेट ड्रेस। अब धीरज प्लेयर बनने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका है। थोड़े टाइम में ही आपको ही विराट कोहली जी नजर आएंगे, नहीं मतलब विराट कोहली नहीं है, धीरज चालना जी नजर आएंगे एज अ इंडियन प्लेयर। हमारी हमारी इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करेंगे धीरज जी बहुत जल्दी। एक्साइटेड हो, कितना हो रहा है। ऑल द बेस्ट धीरज, दिस इज योर न्यू बिगनिंग एंड आई होप कि तू जल्दी से क्विट ना कर दे, थक के हार ना मान दे, तो बहुत आगे तक जाए। तो अब ये धीरज गए हैं यहाँ पे, हम अपने घर के लिए थोड़ा कुछ खाने पीने का सौदा पैक करा रहे हैं, नूडल्स सूप्स वगैरह। सूप मम्मी को पसंद है यहाँ का, और काफ़ी फेमस शॉप भी है ये, हम तो बचपन में बहुत आया करते थे। तो मैं कहा चल थोड़ा शाम के टाइम थोड़ा खा पी लेते हैं, बाकी क्राउड रहता ही है यहाँ पे। अभी इन्होंने भी ने शॉप भी खोली है यहाँ पे। तो भाई साहब आ गए हैं सामान लेके, क्या क्या लाया? चाउमीन, नूडल्स, सूप और एप्पी फिस। चलो चले घर अब। तो अब हम खाएंगे नूडल्स धीरज और मैं। मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज से हम फास्ट फूड नहीं खाएंगे, बट रोज़ हम ना करके फिर शुरू हो जाते हैं। क्यों भाई, इसको तो इसके कोच ने, क्रिकेट कोच ने ही मना किया कि आपको फास्ट फूड नहीं खाना, फिर भी रोज़ लगे रहते हैं हम। कब तक चलेगा ये? नहीं चलेगा, छोड़ दे मैं खा लेती हूँ, तेरे क्रिकेट कोच ने मना करा है। ठीक है चल बाय फिर, टाटा बाय, सी यू। ला सॉस खा लेते हैं, ये क्या बात है, खा ले फिर बाद में मुझे ब्लेम करेगा। खा, एक्टर एक्टर बहुत है, इमोशनल ब्लैकमेल। मैं सॉस खा लेता हूँ, चल इधर। एक्टिंग तो पूरी कर लेता है पूरी, आप देखो शुरू भी हो गया, एक सेकंड लगता है इसको। तो यार आज ये हमारा फ़ैन ही नहीं चल रहा है, इसको पता नहीं क्या हो रहा है। ये ठीक है, दिखाया है वो, कह रहे ठीक है। अब ना इसको अगर मैं ऐसे कर रही हूँ ना, तो ये थोड़ा सा चल पड़ा था एक दो बार, अब चल ही नहीं रहा है। जैसे ना कुछ यहाँ पर कुछ है जो अटक रहा है। पकड़िए धीरे से कैमरा, मैं ज़रा चला के देखूँ। चल पड़ा, चल पड़ा, नहीं बंद हो गया दीदी, बिजली वाले लग गए। दीदी बिजली वाले बन गए अब। मेरे को डर लग रहा है, वो करंट लग दे। रहने दे, बस रहने दे, एक बार ट्राई तो करो। कौन अब भैया को बुलाया था, कल परसों बंद हो गया, तो उन्होंने ऐसे किया और चल गया। टेंपरेरी करेगा वो, ठीक है। छोकरी करंट मिल जाएगा, छोकरी को करंट पर ना गिर जाए। चल पड़ा, चल पड़ा, चल पड़ा, चल पड़ा, चल पड़ा। तो भैया चल पड़ा, चल पड़ा, चल पड़ा। तो भाई अब तो बिजली का काम भी शुरू कर दिया, पंखा भी ठीक कर दिया आज तो मैंने, काफी देर से कर रही थी।
रखा हुआ नहीं, पिछली बार ना थोड़े दिन पहले बंद हो गया था चलता चलता, तो जब हमने इलेक्ट्रिशियन बुलाया उन्होंने सिर्फ ऐसे चलाया और वो चल गया, तो मैंने कहा आज भी ऐसे ट्राई करते हैं, दोपहर से तो चला नहीं अब चल पड़ा, तो ग्रेट सक्सेस। अभी टाइम हो रहा है रात के 10:50 और अभी जस्ट डिनर वगैरह करा है, मैं वीडियो एडिट करने लगी हूँ क्योंकि सुबह वीडियो पोस्ट भी करनी है, तो ये वीडियो एडिट कर लेती हूँ फटाफट से। तो चलिए आई थिंक इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सो दैट जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ यू गॉट द नोटिफिकेशन। चलिए कल मिलते हैं नए दिन और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।